इस वीडियो में सीखेंगे आप सूट बनाना। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम सूट के आर्मोल में फूलन आ जाती है, इस पर आप एक वीडियो डिटेल में बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप परफेक्ट सूट बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सूट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। अब इस कपड़े को फैला लेना है। तो इस तरह हमने कपड़े को सीधे में फैला दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये है कपड़े का अर्ज और ये है कपड़े की लंबाई। लंबाई की साइड से हम इसको पलटेंगे, और ये पलटना आपको कैसे है पहले आप इसे समझ लीजिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि साइज के हिसाब से आपको कपड़े को कैसे पलटना है। तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे आप जितने साइज का सूट बना रहे हैं उसका चौथाई भाग चेक कीजिए और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा लीजिए। तो ये हुआ 9.5 इंच। अब हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो ये हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच को इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे और इसको पलट देंगे। इसी निशान से कपड़े को इस तरह पलटेंगे आप, तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और इसको हम पकड़कर अपनी साइड खींच लेंगे। तो इस तरह आप कपड़े को पलट कर रखिए, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ के कपड़े को पहले सीधा करना है। जो कपड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको पहले सीधा कर लीजिए। ये हो गया कपड़ा सीधा। उसके बाद अब आपको लेना है यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन, जो आपका सिलाई में जाएगा। पार्ट बनाते समय ये पलट जाता है। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो इसके बाद अब आपको निशान लगाना है सूट की लंबाई का। तो आप जितने साइज का बना रहे हैं उसको इस तरह चेक कर लीजिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 38 में, तो ये है सूट की लंबाई। अब 38 को मैंने इसी निशान के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर फिक्स 38 पर निशान लगा दिया। तो ये सूट की लंबाई हो गई है। उसके बाद अब आपको लेना है यहाँ पर सिलाई मार्जिन और इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो इस तरह आपको 1/2 इंच मार्जिन बढ़ा देना है। उसके बाद अब आपको इसी तरह इंची टेप को रखना है और जो लंबाई के निशान होते हैं उसका भी निशान लगा लेना है। जैसे कि आर्म होल का लगा लीजिए, तो ये हो गया आर्म होल का, और ये हो गया कमर की लंबाई का जो ऊपर से निशान आता है, और ये हो गया हिप साइज का। तो जितने पे आपके निशान आते हैं उसी के हिसाब से आपको लगाना है। आप चाहें तो अपने पुराने सूट से भी नाप ले सकते हैं, जिससे आपको निशान लगाने में आसानी होगी। और ये निशान लगा रही हूँ 22 इंच पर। तो इसी निशान के हिसाब से चाप खुलेंगे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। तो इस तरह आपकी लंबाई के निशान एक बार में ही लग जाएंगे। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो आपका जितना भी शोल्डर आता है उसका हाफ यहाँ पे रखना है। जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तो उसका निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। तो ये निशान लगा दिए 7 इंच पर। कपड़ा डबल में है। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको सिलाई का मार्जिन। ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर दीजिए। इस तरह आर्म होल के निशान को सीधा करना है। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है सीना की फुल साइज के हिसाब से। तो जैसे कि इसकी साइज आ रही है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। तो ये निशान लगा दिए हमने 9.5 इंच पर। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है कमर की साइज का। तो आपकी जितनी भी साइज आती है उसका चौथाई भाग निकालिए। जैसे इसकी कमर की साइज है 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर। तो कमर के निशान को लगाने के बाद अब आपको निशान लगाना है हिप साइज का। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग। जैसे हमने ये निशान लगाए वैसे ही आपको इस निशान को लगाना है। तो जैसे कि इसकी हिप साइज है 39 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 10.5 इंच। 10 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इस तरह हमने 2 पॉइंट को कम कर दिया और 10.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसी निशान के सीध में आपको पार्ट निकालना है।
तो इस तरह इसको सीधा कर देंगे। हिप साइज के निशान से ही पार्ट आते हैं। अब इन निशानों को मिला दीजिए। तो इस तरह आपको निशान मिला देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर लेना है मार्जिन, तो 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन ले लीजिए। आप चाहो तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो, ये आपकी पसंद का है। अब इस तरह इसको मिला देंगे। इस तरह आपको ये निशान मिला देना है। उसके बाद अब आपको देना है आर्म होल में गुलाई। तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जब शोल्डर चौड़ाई से होता है तो आर्म होल को 1 इंच पीछे लिया जाता है। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहां पर आपको गाइड भी करती हूं। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, और जैसे ही आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। जहाँ पर फुल शोल्डर यूज होता है वहाँ पर आर्म होल को 1 इंच पीछे लेना है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और इस तरह मिला दीजिए। इस तरह मिलाने के बाद अब आपको इधर से ही 1 इंच के हिसाब से इसमें गहराई देना है। तो इस तरह इंची टेप को रखिए और इस तरह गहराई देती जाइए और बस इस तरह मिला दीजिए। उसके बाद अब आपको लगाना है गले की चौड़ाई का निशान। तो यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे इसके 3 इंच और लंबाई रखेंगे 6 इंच, जिससे 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन में चला जाएगा और 5.5 में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे भी चौड़ाई का 3 इंच का निशान लगा दिया। अब इसका बॉक्स बना देंगे। इस तरह बॉक्स बना दीजिए और फिर इसमें गुलाई दे दीजिए। इस तरह आप गुलाई दे दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तिरछा करना है, जैसे हर सूट में करते हैं वैसे ही आप इसको तिरछा कर दीजिए। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है आर्म होल की साइड, जिससे आपकी फुलन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह अपनी आस्तीन की गुलाई को आर्म होल में चेक करना है। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए पहले सिलाई मार्जिन, ये हो गया सिलाई मार्जिन, ठीक है, ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब आपको इसी निशान से आस्तीन की गुलाई चेक करनी है। जैसे कि मुझे आस्तीन की गुलाई चाहिए 16.5 इंच, तो इस तरह हम चेक करेंगे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच और ये 8 इंच, ठीक है, और ये हो गई है 16.5 इंच। तो इस तरह हमने इसको निशान लगा दिया। अब ये आस्तीन की गुलाई हमें परफेक्ट मिल जाएगी। और अगर आपके आर्म होल की साइज बढ़ जाती है तो आपको क्या करना है कि इस तरह थोड़ी सी इस निशान को इस तरह मिला दीजिए, गुलाई से देते हुए इस तरह मिला दीजिए, जिससे आर्म होल की गुलाई आपकी कम हो जाएगी, जो ज्यादा बढ़ रही थी वो आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कम कर दिया है। आपका जितना भी बढ़ता है तो आप 1/2 इंच तक इसको कम कर सकते हैं, जिससे सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग हो जाती है। और अगर आपके आर्म होल की गुलाई ज्यादा बढ़ती है तो आपको आर्म होल को लंबाई की साइड से कम करना है। इस तरह आपके आर्म होल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको आगे की पार्ट की कटिंग करनी है।
तो इस तरह हमारे आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। अब मैं आपको पीछे की पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसको अभी साइड से रख देते हैं और बचे हुए कपड़े को निकाल लेते हैं। तो बचे हुए कपड़े को अच्छे से डबल में मिलाकर रख लीजिए, इससे आपका पीछे का पार्ट निकलेगा। अब आपको इसी के ऊपर आगे के पार्ट को उठाना है और मिलाकर रख देना है, और इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। तो इस तरह आपको इसको मिलाकर रखना है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट में कितना चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा ही तिरछा है वैसा ही तिरछा कर दीजिए। उसके बाद इसके बराबर से मिलाते हुए आइए इस तरह, और यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह आर्म होल को मिला दीजिए, और बाकी यहाँ पर सेम रहेगा। बाकी यहाँ पर आपको सेम रखना है, बस आर्म होल की साइज को आधा इंच बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगा लीजिए, बराबर से लगाया। अब आप यहाँ पर गले की लंबाई जितनी अपनी पसंद के हिसाब से रखना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसकी साइज रख रही हूँ 2 इंच, तो ये 2 इंच का निशान लगा दिया और इस तरह मिला दिया और इस तरह गुलाई दे दी। अब आपको सीधा इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। जैसे ही रखा हुआ है वैसे ही कटिंग कर दीजिए। तो पीछे का पार्ट निकालना देखा कितना आसान है। इस तरह हमने पीछे के पार्ट की कटिंग कर दी है। अब आपको यहाँ पर लगाना है कट, जिससे आपको याद रहेगा कि सिलाई आपको इधर रोकना है और इधर से इसके पार्ट खुलेंगे। तो एक कट यहाँ पे लगा दीजिए और दूसरा कट यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरह हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन ने कटिंग करने के लिए कपड़े को फैला लिया है, उसको पलट कर डबल में रख दिया। इस तरह डबल में रखने के बाद इसको फिर 4 लेयर में रखना है। इस तरह ये डबल में हो गया है। अब आपको बीच में पकड़ना है और इस कपड़े को पलट देना है और अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह आप कपड़े को 4 लेयर में रख लीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है 1 इंच का। आस्तीन में 1 इंच का मार्जिन भी चल जाता है। ये हो गया सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ 17 इंच, तो ये निशान लगाएंगे हम 17.5 इंच पर, और इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद अब आपको दूसरा निशान लगाना है 2.5 इंच नीचे। तो ये निशान रहता है मीडियम साइज में, अगर कोई हेल्दी होता है तो आप इस निशान को 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे कि इसकी मोहरी की साइज है 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच, और इस तरह मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है आर्म होल की साइज के हिसाब से। जैसे आर्म होल की कटिंग की थी 6.5 से, तो ये निशान आएगा 7 इंच पर। तो 1/2 इंच इस निशान को आर्म होल के निशान से बढ़ाकर रखा जाता है। जैसे आर्म होल आपने 6.5 पे निशान लगाया या 7 इंच पर लगाया, तो इसका निशान आप 1/2 इंच बढ़ाकर लगा दीजिए और इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए आप मार्जिन, जैसे हमने सूट में मार्जिन लिया है वैसे ही आपको इधर लेना है। तो 1.5 इंच का मार्जिन इधर और 1.5 इंच का मार्जिन इधर। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। इस तरह आस्तीन की कटिंग करना है और फिर इसको खोल लेना है। तो इस तरह इसको खोल कर रख लीजिए। तो इस तरह आप इसको खोल कर रख लीजिए, और एक साइड इसमें आपको गहराई देनी है। तो इस लाइन के अंदर ही आपको गहराई देना है। ये गहराई आपको 1/2 इंच के हिसाब से देना है। तो इस तरह आप गहराई दे दीजिए। तो इस तरह हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको पूरी कटिंग दिखा देती हूँ।
तो इस तरह सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपसे सूट में कोई मिस्टेक होती है या आपको बनाते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।